हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज भैया बहुत आगे चलती हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर मेरा 16 तारीख को पेपर है, कुछ इंपॉर्टेंट बताइए, कुछ पेपर एनालिसिस लेके आइए और साथ में क्लासेस भी चलाते रहिए, ताकि अगर भैया मेरा पेपर जल्दी हो भी जाए तो हम आपके पुराने वीडियोज से कम पढ़ पाएं। और जिन बच्चों की नई यूनिवर्सिटीज हैं भैया, MJP RU वगैरह हैं, उनके तो पेपर अभी बहुत दिन में, तो आराम से अपना क्लास चलता रहेगा। तो आज की ये पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जिन बच्चों के पेपर होने ही वाले हैं उन लोगों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो डिटेल में आपको बताने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, प्लस इस पेपर से आप एक चीज और सीखोगे, जो आपने पीछे भैया क्वेश्चन आपने 10 12 15 वीडियोस पढ़ रखी हैं उनमें से इसमें क्या क्या आया हुआ है पहली यूनिट से। तो चलिए सर जी शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ये जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर है वहां पर 50 नंबर का पेपर आता है भाई, ठीक है, लेकिन हम लोगों के यहाँ 75 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का पेपर आता है उससे मतलब नहीं है भाई, पेपर में क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया हुआ है भैया, डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चिल्ला चिल्ला के आपको बताया कि भैया इन दोनों को याद कर लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलरिटी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने लोग भाग लेंगे उसे मॉलिकुलरिटी कहेंगे, जितने लोग अभिक्रिया की वेग को निर्धारित करेंगे, वेलोसिटी को निर्धारित करेंगे, उसे क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो आदमी निर्धारित करेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक आदमी निर्धारित करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दो लोग निर्धारित करेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं भाई, ठीक है, पेपर में 3 नंबर में ये आ गया है। तो अगर आपको ये आपने पढ़ लिया है तो 3 नंबर आपके पक्के हो गए भाई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। बहुत ही आसान है, जितनी तरीके से फ्रीली मोशन हो सकता है उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। हालांकि अभी आपने ये नहीं पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, फटाफट से पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये सब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, याद करो, रूट BRMS कहते थे इसे भैया। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये सब बिल्कुल आसान है, हालांकि ये पेपर में आते रहते हैं। इनमें से कौन सी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताते रहेंगे, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जानबूझ के पेपर हमने ऐसा छांटा है इसमें सारे वो क्वेश्चन हैं जो ब्रह्मास्त्र हैं भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम संग में मेरे भाई नोट करते हुए चलो यार, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। BRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, BMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें पेपर में आ जाती हैं। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, भैया लॉन्ग के अंदर कई बार लिक्विड क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन आ जाता है। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, ये सब आपको पढ़ाने वाले हैं जल्दी, इस चैलेंज के अंदर ये सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा, यानी 30 जुलाई तक ये सब पूरा पेपर आप सॉल्व कर लोगे। रख लेना इसे कहीं कोने में पेपर को, देखना तुम्हें पूरा पेपर आ जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ शॉर्ट में केवल एक पार्ट ही इसका पूछ लिया है, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल लॉन्ग में भी आता है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन आपसे पूछ लिया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ही आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने सुन रखा है 12th क्लास में, उपसह संयोजन संख्या, जो लिगेंड वगैरह घेरे हुए होते थे, तो जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद लघु की बात करें भैया, तो लघु में क्या है, 9 नंबरों में, यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर है 9 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें पहला है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, मोस्ट वांटेड है। अगर आपका पेपर बहुत जल्दी होने वाला, 14 तारीख 15 तारीख को पेपर है, जिन लोगों की यूनिवर्सिटीज MJP RU वगैरह है वो टेंशन ना लें, अभी कुछ नहीं हो रहा, 2-3 महीने, लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटीज के पेपर जल्दी हो रहे हैं तो आप क्या करो, सर्च करो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, आगे BDKDN चैनल का नाम रख देना मेरे भाई, आराम से वीडियो आ जाएंगे, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ, आप कुछ भी सर्च कर लेना, कुछ भी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे वाटर सिस्टम पढ़ाया हुआ, आप डालो वाटर सिस्टम, BDKDN आ जाएगा भाई, तो सब कुछ पढ़ाया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि सर जी हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो केवल 351 रुपए आपके खर्च होंगे, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन पे कोर्स ले लो भैया, सारी चीजें एक जगह पे आपको मिल जाएंगी विद PDF, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस जो नई वीडियोस हम बनाते रहेंगे वो भी उसके अंदर ऐड हो रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, अगर किसी बच्चे की यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, जो कि लगभग सभी के में आते हैं, तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लॉन्ग मटेरियल है भाई, लॉन्ग में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। वाटर सिस्टम लॉन्ग में आता है, ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है भाई, ठीक है। कोलिजन नंबर क्या होता है, ये शॉर्ट का क्वेश्चन है, कोलिजन नंबर, तो कोलिजन नंबर आपको पढ़ाएंगे और आपको तैयार कर लेना भाई, ठीक है, सब हमने पढ़ा रखा है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, आप सर्च करना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, BDKDN आ जाएगा भाई, ठीक है। तो सब कुछ फ्री में भी पढ़ाया हुआ है भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो। ये देखो भैया ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कराया हुआ है भैया, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, डी टू डी ट्रांजिशन, ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाली वीडियो देख लोगे तो ये सब उसमें अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसी में सब कुछ हमने आपको करा रखा है, टी टू जी लेवल क्या होता है, ई जी लेवल क्या होता है, सब कुछ बताया हुआ है। आखिरी में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन देख के तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि जो पहली यूनिट में हमने आपसे कहा था कि भैया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और कोलिजन थ्योरी में से एक आता है, ये देखो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पहला ही लॉन्ग है और पेपर में आई हुई है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। हम क्या बता रहे हैं, पिछली जो हमने आपको 10 वीडियोस या 12 वीडियोस दी हैं उसके अंदर से हम गारंटी ले रहे हैं कम से कम 75 में 25 वाला पास होता ना, कम से कम 25 नंबर का पेपर फंस ही जाएगा। क्योंकि अगर 15 का ये लॉन्ग मान लो, ऊपर तीन नंबर का, वो तो 18 का तो आ ही चुका है, ठीक है। और जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक आध दो चीज़ें और मिल जाएंगी आपको, तो 20 नंबर तो कहीं नहीं गए अगर आपने सिर्फ पहली यूनिट भी पढ़ ली है। 75 में 25 वाला पास होता है, बाकी सारे अगर आपका पेपर कल भी है तब भी कोई समस्या नहीं है भाई, इस पेपर को सॉल्व करो, ज़्यादातर चीज़ें तो रिपीट हो जाएंगी क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है भाई, ठीक है। उसके बाद वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है, सभी को पता है भैया, पी बी बराबर आर टी नॉर्मल इक्वेशन होती थी, गैस समीकरण, इसमें जोड़ देते थे पी प्लस ए अपान बी स्क्वायर, इसमें घटा देते थे बी माइनस बी बराबर क्या हो जाता था आर टी, तो ये कौन सी समीकरण है, वैन डर वाल्स समीकरण हो जाया करती थी भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके की चीज़ें आती है। बर्नर की थ्योरी आ गई, बर्नर की थ्योरी आपने 12th क्लास में पढ़ी हुई है भैया, दो संयोजकताएं होती हैं जितने भी सीएमए होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये भी पढ़ाई हुई है। आप सर्च करोगे बर्नर थ्योरी बी डिकेडिन आ जाएगा, सब कुछ बीएससी का जितना कॉन्टेंट है सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया हुआ, आराम से पढ़ो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल है बी डिकेडिन बीएससी, वहाँ पर चले जाओ, पीडीएफ भी सारी पढ़ी हुई है पहले की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं ढूंढ पा रहे हो कोर्स में एनरोल कर लो भाई, सीधी सी बात है। ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम भी कराए हुए हैं D1 और D9 के लिए, तो ये खत्म हो गया लो पेपर भाई। तो यानी सरल भाषा में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई है, उसके अलावा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हो गई, कोलिजन थ्योरी हो गई, वाटर सिस्टम हो गया, ये सब वो चीज़ें हैं जो पेपर में घूम फिर के आती ही रहती हैं। तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें डेली आपके लिए 11:45 पे क्लास लेके आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नए हो भैया तो बता दें आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमने प्लेलिस्ट दे रखी है, बिल्कुल नए क्लासेस फ्रेश कॉन्टेंट लेके आ रहे हैं। पिछले एक दो दिन से लाइट की थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, लेकिन खैर बिल्कुल फ्रेश कॉन्टेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, लगातार पढ़ते रहिए, डेली फॉलो करिए 11:45 पर 30 जुलाई तक डेली आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।